हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने हरियाणा एडीओ के पार्ट वन को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे। कल लास्ट मैंने 15 क्वेश्चंस को टोटल डिस्कस किया था। क्वेश्चन का लेवल वाज वेरी ग्रेट, ये आप सभी बच्चे जान रहे हैं। इट वाज नॉट एन ईजी पेपर, बहुत अच्छा पेपर सेट हुआ था, बहुत क्लासी पेपर था। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें जो आंसर होना चाहिए उसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे खुद भी। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये मेरे हिसाब से प्रिडिक्टेड आंसर्स हैं। आई मे बी रॉन्ग, फाइनल आंसर की ही करेक्ट आंसर की होगा, दैट्स ऑब्वियस। तो इसको दिमाग में लेते हुए चलेंगे। मैंने 15वां नंबर का क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये सेट सी है। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आज की क्लास में, दिस इज सेट सी। सो आइए 16th नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 16वां नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसका मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए दैट विल आइदर बी बी या फिर सी। मोस्ट प्रोबेबली, हो सकता है मैं गलत भी कह रही हूँ, बट मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ाया चीज़ों को, तो या तो ये बी होगा या फिर ये सी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 17th नंबर के क्वेश्चन पर, जिसमें पूछ रहा है केमिकल्स दैट हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन अट्रैक्शन ऑफ राइजोबियम आर। वो कौन सी केमिकल्स हैं जो राइजोबियम को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं एट द टाइम ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो दीज ग्रुप ऑफ केमिकल्स आर नोन एज फ्लेवोनॉइड्स। सो द आंसर शुड बी फ्लेवोनॉइड्स। इसके बाद 18th नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सो दिस क्वेश्चन को मैं ब्लैंक रहने दे रही हूँ बिकॉज आई हैव अ डाउट कि इसमें क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी जब मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊंगी, बिकॉज ये तो सिर्फ आंसर की को मैं बोले चले जा रही हूँ, विदाउट एनी रीजन मैं बता रही हूँ। सो नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो उस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डेफिनेटली इसका आंसर सर्च करके आप सभी को जरूर बताऊंगी। 19th नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1। क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ, इन द जीवन फेज ऑफ सेल साइकिल ईच क्रोमोसोम हैज हाउ मेनी क्रोमैटिड्स, सो इट विल ओनली हैव 1 क्रोमैटिड। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन काफी बड़ा है। In the ATP driven proton potassium exchange mechanism, the hydrogen ions are formed due to the dissociation of. So ये तो sure है, answer will be malic acid. Answer क्या होगा? Malic acid. इसके बाद हम आ जाते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको blank रहने दें because जरूरी नहीं है कि मेरे पास हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो ही। 22 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 22 क्वेश्चन में अगेन आई हैव अ डाउट, हालांकि फिर भी मैं मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपको बता देती हूँ। या तो ये सी वाइट ट्रेलिस हो सकता है, मुझे तो इनफैक्ट ए बी और सी तीनों लग रहे हैं, बट फिर भी इसमें रिसेंटली डेवलप पूछा है इसलिए इसको रहने देते हैं। फाइनल आंसर की हम जरूर चेक कर लेंगे एक बार क्या है आंसर। 23rd नंबर का क्वेश्चन भी आई एम नीडिंग बिकॉज ये ब्रीदिंग से रिलेटेड है, और दो मेरा खुद का मास्टर्स जर्नलिज्म इन प्लांट ब्रीडिंग में है, बट इसको थोड़ा सा मुझे और डिटेल में स्टडी करने दीजिए, फिर मैं आपके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में आंसर की जरूर बताऊंगी। 24th नंबर का क्वेश्चन आल्सो आई एम नीडिंग ब्लैंक बिकॉज मुझे कोई डायरेक्ट आंसर इसका मिला नहीं। 25th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फॉर श्योर इसका आंसर होगा हेरिटेबिलिटी। द आंसर विल बी हेरिटेबिलिटी। और हेरिटेबिलिटी क्या है इस पर भी मैं एक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी, ताकि आप में से जो भी लोग नेट का प्रिपरेशन या जे आर एफ प्लांट साइंसेज या एस आर एफ की तैयारी कर रहे हो, आपको भी डेफिनेटली हेरिटेबिलिटी का मीनिंग समझ में आए। इसके बाद हम आ जाते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पर। भाई ये क्वेश्चन तो भाई पता नहीं क्यों ही पूछा है, although it is somewhat related to meteorology, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, I may be wrong again, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन पूछा है स्पेक्ट्रल एनर्जी फ्लुएंस रेट का यूनिट क्या होगा, फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो स्टार जरूर लगा लीजिएगा बिकॉज स्पेक्ट्रल एनर्जी फ्लुएंस रेट पूछा है, रेट। ये तो मैं श्योर हूँ कि स्पेक्ट्रल एनर्जी फ्लुएंस का यूनिट ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बट यहाँ रेट पूछा है सो आई विल ऑल्सो हैव टू लुक इन टू दिस। 27th नंबर का क्वेश्चन जिसमें मार्कर बेस्ड क्वेश्चन आए थे, अगेन इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ रीडिंग, रीडिंग के क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। मार्कर सिस्टम आर एफ एल पी डाइवर्सिटी आई ए टेक्नोलॉजी सिंगल फीचर पॉलीमॉर्फिज्म एंड रिस्ट्रिक्टेड साइट एसोसिएटेड डीएनए आर डिटेक्टेड बाई। तो क्योंकि आर एफ एल पी में सदर्न हाइब्रिडाइजेशन का प्रिंसिपल यूज होता है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर सी होना चाहिए।
बिकॉज सबर्न हाइब्रिडाइजेशन में डीएनए डीएनए हाइब्रिड का ही फॉर्मेशन होता है। खैर चलिए 28 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए डी, जिसमें जिबेरेलिक एसिड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया था। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जिबेरेलिक एसिड। 29 नंबर का क्वेश्चन विदाउट एनी डाउट होगा आंसर सी, सी यानी कि ग्लाइफोसेट, सी यानी कि क्या हो जाएगा ग्लाइफोसेट। 30 नंबर का क्वेश्चन, ये तो रटने वाला क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1997 लॉन्च द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू बेनिफिट अबाउट डैश पुअर फैमिलीज, तो इसका आंसर विल बी ए 6 करोड़ फैमिलीज। 31 इट्स एन इजी क्वेश्चन अगेन बिकॉज हम लोग मास्टर्स जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से हैं, इसलिए दिस वाज एन इजी क्वेश्चन फॉर अस। हो सकता है आप में से कई लोगों को बहुत टफ भी लगा हो, क्योंकि क्रिस्पर कैस 9 थोड़ा सा हायर लेवल का कंसेप्ट है। मैं एक वीडियो शॉर्ट जरूर से बनाऊंगी क्रिस्पर कैस 9 क्या है इसको समझाते हुए। वैसे इसका आंसर जो होगा दैट विल बी जी आर एन ए। जिन्हें नहीं पता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं, हियर जी स्टैंड्स फॉर गाइड आर एन ए, जी स्टैंड्स फॉर गाइड आर एन ए। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैम पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर आती हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। पहली बात तो आई हैव अ सिंपल गोल जिसमें मुझे चीज़ों को लिखना पड़ता है, पूरे क्वेश्चन पेपर को एक साथ में डिस्कस नहीं कर सकती, इसलिए आई होप आप सब कोप अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में डिस्कस करूंगी अनदर 15 से 20 क्वेश्चन, तो ऐसे पार्ट 5 में आराम से पूरा का पूरा हरियाणा वीडियो कम्प्लीट हो जाएगा आंसर की, और ये मेरे हिसाब से दिया गया आंसर की है। एक वीडियो में शॉर्ट लेकर के आऊंगी उन सारे क्वेश्चन ऑफ ग्रेडिंग पर जो कि थोड़े से हायर लेवल के थे। टिल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड वॉच आवर वीडियोज। थैंक यू सो मच।